छितकुल से चले थे सांगला वैली के लिए, रास्ते में एक ऐसी चीज़ नज़र आई जो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर से उन जिज्ञासु मनों को। ये गाड़ी खड़ी है अपनी, मेरी वेट कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हें ये दिखाना ज़रूरी है रास्ते में रुक के, क्यूरियस माइंड्स, कैसे हमारी नदियाँ बनती हैं, समंदर तक पानी कैसे पहुँचता है। तो ये आप देखेंगे इसमें भी, ये थोड़ा यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है बर्फ का, मैं थोड़ा नज़दीक जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऊपर से बर्फ़ पिघलती हुई आ रही है, काफ़ी देर तक ये बर्फ़ रहती है पिघल के, और फिर आगे चल के जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है नीचे की तरफ पानी बनने लगता है। ये पूरा ये ऊपर से पिघल करके यहाँ से ये पूरा बर्फ़ पिघल के पानी बन के आ रहा है, और ये पानी बनता हुआ पूरा, और वो देखिए नीचे नदी में आके मिल रहा है। इसमें पानी बन के यहाँ नीचे नदी में आ रहा है, पानी बन के जैसी बर्फ है सब जगह ना, हाँ, तो ये पानी बन जाते हैं और आपको रोज दिख रहा है ना, हाँ, वो नीचे ऊपर से नीचे तक आते हैं नदी में मिलके नदी का पानी बन जाते हैं। नदी का पानी बन जाता है, हाँ। अच्छा, नदी से सी में जाता है, सी से ओशन में जाता है, हाँ। वाओ, ये बड़ा एक प्यारी जगह नेकेड आई से मुझे नज़र आ रही है। देखिए क्या प्यारा नज़ारा है पानी का, ऊपर से आ रहा है, वहाँ से चला हुआ, बहुत ही सुंदर। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलती हूँ कि ट्रैवल ज़रूर करें, घूमें फिरें ज़रूर। एक डायलॉग है पुरानी फिल्म का कि ज़िंदगी का मज़ा तो सिर्फ खट्टे में ही है, गुलशन ग्रोवर साहब बोलते हैं। मैं कहती हूँ ज़िंदगी का मज़ा खट्टे में, नमकीन में, मीठे में तो होगा ही, लेकिन असली ज़िंदगी का मज़ा और मायना, मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ इन ट्रैवल। यदि ट्रैवल नहीं किए ना तो कुएं के मेंढक की तरह या खड़े हुए पानी की तरह एक ही जगह सड़ सड़ के मर जाए। ट्रैवल ज़रूर करें, फैमिली के साथ करें, फैमिली के बिना करें, और थोड़ी दिलेरी दिखाएं, ये ना सोचें कि कैसे इतना इतनी बात बन पाएगी, कैसे होगा, समय नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है। तो चलिए सांगला वैली की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगर और कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो मैं आपको ज़रूर रास्ते में रुक के दिखाऊंगी, नहीं तो फिर वैली का नज़ारा दिखाती हूँ।